नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं जीटीबी न्यूज। बलिया रसरा प्रधानमंत्री आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत चयनित पात्र व्यक्तियों को चयन कार्ड देने के लिए रविवार को स्थानीय समुदाय स्वास्थ्य केंद्र परिसर में कार्ड वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि एसडीएम रसरा ज्ञान प्रकाश यादव, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नगर पालिका रसरा के अध्यक्ष प्रतिनिधि वरिष्ठ नारायण सोनी व अध्यक्षता कर रहे श्री नाथ मठ के महंत कैलेंद्र गिरी द्वारा 80 लोगों को आयुष्मान जन आरोग्य योजना कार्ड वितरित किया गया। इस मौके पर एसडीएम श्री यादव ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री निर्बल व आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को एक उत्तम उपचार मुहैया कराने की मंशा से आयुष्मान जन आरोग्य भारतीय योजना लागू किया है, जिसके माध्यम से कोई भी चयनित परिवार 5 लाख रुपए तक का इलाज करवा सकता है। जी सर, भारत सरकार के उपयोगों का इसकी योजना है आयुष्मान, जिसके तहत जो कार्ड वितरण का कार्यक्रम हमारे तहसील स्तर पर कराया गया है। आज चिकित्सा यह कार्यक्रम जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए आयोजित है। वो 5 लाख तक का जो बीमा है, 5 लाख तक का जो धनराशि है, इस कार्ड के माध्यम से अपनी चिकित्सा को व्यय कर सकते हैं, जिसमें उन्हें किसी प्रकार का धन नहीं देना है। भारत सरकार के द्वारा इस प्रकार का ऊर्जा वहन किया जाएगा। सर, इसका कार्ड बना नहीं है तो क्या दोबारा फिर ये कार्ड सर्वे होकर बनेगा क्या? नहीं, कार्ड सभी को वर्तमान में एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इस प्रमाण पत्र को दिखाने के पश्चात आपको एक कार्ड प्रदान कर दिया जाएगा। ये सब बलिया से हमारे संवाददाता नवल जी के साथ अखिलेश सैनी की खास रिपोर्ट।